प्रयागराज थाना कोतवाली नैनी के अंतर्गत बसवार गांव एवं आसपास के यमुना तटीय इलाकों में यमुना नदी से जलीय जीवों प्रमुख जैसे डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, उदबिलाव, मेंढक और विशेषकर छोटी मछलियां, इनको बचाने से नदी का जल शुद्ध और जल में रहने वाले जीवों के पूर्ति के काम आती है। किंतु कुछ दबंग मछुआरे बड़े बड़े सूक्ष्म साइज के जाल का इस्तेमाल करके नदियों से छोटी बड़ी प्रजाति के मछलियों के साथ साथ कछुए, डॉल्फिन जैसे संरक्षित जीवों का शिकार भी कर रहे हैं, जिससे नदी तंत्र के साथ साथ छोटे मछुआरों का जीवन भी दुर्लभ हो जा रहा है। यदि समय रहते संबंधित प्रशासन अथवा विभाग द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो नदियों के साथ साथ संरक्षित जीवों का विलुप्त होना सुनिश्चित है और छोटे मछुआरे जिनकी आजीविका का मुख्य साधन भी नष्ट हो जाएगा। यदि छोटी मछली, घड़ियाल, डॉल्फिन, कछुए इत्यादि मार देंगे तो धीरे धीरे नदियों का जल दूषित हो जाएगा और सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाएं भी विफल हो जाएगी। स्थानीय निवासियों एवं पर्यावरणविदों ने प्रशासन यही मांग की है कि जितनी जल्दी हो सके नदियों में मछली मारने हेतु तय मानकों के जाल का प्रयोग करें और महजाल जिनकी लंबाई 1 से 2 किलोमीटर तक होती है जिसे तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। पूर्व के मछुआरों के अनुसार जब इस प्रकार के जाल मछली पकड़ने के लिए नदियों में नहीं चलते थे तो नदियों में डॉल्फिन, घड़ियाल, कछुओं और मछली का भरमार होता था, किंतु आज दबंगई की वजह से इन जीवों का अंधाधुंध शिकार किया जा रहा है, जो कि यह नदियों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए सुमित द्विवेदी की खास रिपोर्ट।